मशीन जल गई, दुकान जल गई, पूरी माल जल गई, मैं बर्बाद हो गया। मेहता से बेटर है मशीन, ये इतना जान लीजिए। मेहता मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट आर्ट सॉल्यूशंस में। आज एक फिर से वीडियो लेकर के आ गए मशीन इंस्टॉलेशन का। और कई लोग पूछते थे ना कमेंट में मशीन लगाने के लिए कितना बड़ा स्पेस चाहिए, तो अभी आप देख लीजिए क्या साइज की स्पेस है। ऐसे लगाएं 6-7 फीट होगा और ऐसे होगा 6-7 फीट, मतलब 7 फीट बाई 7 फीट के आसपास का। अंदर में ही पूरा दुकान है, यहाँ पर अपना लेजर मशीन आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करके ऑन करके कटिंग वगैरह सारा चीज़ करके दिखा देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मशीन का पूरा डिटेल में आपको वीडियो बताएंगे, मशीन कहाँ से खरीदना वो भी आपको बताएंगे, सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा इसमें। और ये मशीन कितने वाट का है, कितना एरिया काटेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो वीडियो बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। सारा किट अपना यहाँ पे मिल चुका है और बाद में आप कभी सर्विस भी इसी किट से कर सकते हैं। ये अपना ट्यूब निकाल चुके हैं। सबसे रिक्सी चीज जो होता है ना मशीन का, यही ट्यूब है। तो ये ट्यूब अपना 130 वाट का है और ये मशीन में आप फ्यूचर में कभी एक ट्यूब यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यानी कि मशीन आपका डबल हेड का हो जाएगा। एक ट्यूब यहाँ लगेगा और ये वाला जो लेंस आप देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर मिरर देख रहे हैं, ये मिरर एक यहाँ पे लग जाएगा। इससे क्या होगा, आपका मशीन डबल हेड हो जाएगा, मतलब कभी भी आप इसको डबल हेड कर सकते हैं। ट्यूब बॉक्स के साथ में एक मिलेगा आपको मैनुअल बुक, अगर आपके पास में टाइम हो तो इसको आप पढ़ सकते हैं, बाकी बात साइड में रख सकते हैं। एक मिलेगा ये अल्मोनियम का स्टेप से यहाँ पे ऐसे लगाने के लिए, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे इस तरीके से फिट होता है, ये देखिए इस तरीके से। तो इसे आप लगाना हो लगा सकते हैं, नहीं लगाना हो तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है। और ये मिलेगा आपको फिट स्लीविंग, इसका भी काम लगेगा। तो इसको आप कई बार फेंक देते, फर्स्ट बार हम भी ट्यूब मंगाए थे तो इसको फेंक दिए और बाद में बड़ा दिक्कत हुआ था, तो इसको फेंकना नहीं है, इसका क्या यूज है अभी आपको दिखा देते हैं। वायर जो आता है ना, पावर सप्लाई से आता है इसका, जो पावर सप्लाई रहता है जो फायर करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पावर रहता है, इसलिए हीट स्लीपिंग लगाना पड़ता है। उसके बाद में ब्लैक टेप भी अच्छी तरीके से लगाना होता है। आप इसे चाहे तो सोल्डिंग से भी आप सोल्डिंग करके उसके बाद में कर सकते हैं, जैसे ये नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया। चिलर का यहाँ पे आप डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे चिलर जो है ना, ये आपका कभी भी जब डबल हेड करेंगे ट्यूब को मशीन को, तो आपका ये चिलर काम दे देगा, मतलब डबल हेड का ये चिलर है। सिंगल हेड में भी चला सकते हैं, डबल हेड में भी आपका ये काम दे देगा।
तरीके से निकल चुका है। अब चेक करेंगे पल्स मार करके। पल्स मारी जरा और दबा करके दबा लिया। देखिए ये अपना ट्यूब अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब बारी आता अलाइनमेंट मिलाने का, चलते हैं अब अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। ये है डेटा केबल, ये डेटा केबल से कंप्यूटर या लैपटॉप से डायरेक्ट चलेगा और आप इसे चाहें तो मशीन को पेन ड्राइव से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अपना देख सकते हैं एक साथ में 3-4 फाइल लिए थे, जैसे कि यहाँ पे कटिंग, ये हो गया आपका मार्किंग यानी कि सिर्फ स्केच किया है यहाँ पे, और दूसरी जगह है इंग्रेविंग और चौथे जगह पे है अपना डॉट। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए हल्का हल्का अगर लाइट के पास में देखेंगे तो दिखता होगा, यहाँ पे सिर्फ डॉट कर दिया, डॉटिंग मार दिया है। ये अपना मशीन जो है पूरी अच्छी तरीके से इंग्रेविंग मतलब इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे कटिंग का फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कमाल का फिनिशिंग है। बाकी बात पूरा इंस्टॉल हो चुका है और रिजवान भाई से जानते हैं कैसा लगा मशीन। मशीन बहुत बढ़िया, ये एम कर्व का मेरा जो मशीन था उससे बेटर मशीन है ना। हाँ, उससे बेटर है, ये स्पीड वगैरह बहुत परफेक्ट है। ये 40 पर भी कटिंग कर रहा है, 30 पर भी कटिंग कर रहा है, 40 का पावर, 40 का पावर देने पर भी बहुत स्पीड कटिंग कर रहा है। 40 का स्पीड में ये 4 mm का एक्रेलिक अपना पूरा फिनिशिंग के साथ, पूरा फिनिशिंग के साथ कर दिया है। और क्योंकि रिजवान भाई तकरीबन 3-4 साल पहले, 5 साल से चला रहा है, 5 साल पहले से मशीन चला रहे, तुमको मशीन का पहले से भी काफी नॉलेज है और इन्हीं का मशीन में आग लगा था जो पिछले बार वीडियो हम दिखाए थे। कैसे आग लगा बताइए जरा आगे। मशीन में मेरा आग लगा कि हम बेड लोहे वाला पाइप वाला बेड लगा कर करके अब मैं मशीन चालू कर करके मैं चला गया था कहीं। अच्छा। अब वो एक्रेलिक्स चढ़ा हुआ था, वो गोल्डन शीट पकड़ लिया, वो पकड़ा तो पूरा फिर मशीन का कहानी हो गया मेरा, वो पूरा सब कटिंग पूरा चौपट हो गया, मशीन जल गई, दुकान जल गई, पूरी माल जल गई, मैं बर्बाद हो गया। तो इसीलिए आपको भी ध्यान देना है, कटिंग दे करके इधर उधर नहीं जाना है, मशीन के पास ही रहना है। बाकी बात मशीन आपका इंस्टॉलेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरीके का वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये मशीन अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और रांची के आसपास में अगर रहते हो तो आप मेरे ऑफिस में आकर के भी ये मशीन तो पास में ही लगा हुआ है, आके सैंपल देख लीजिएगा या फिर जो भी डील करना हो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। मेहता से बेटर है मशीन ये, इतना जान लीजिए। मेहता मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, इतना वायरिंग, इतना तार, इतना केबल दिया हुआ है कि आदमी कंफ्यूज करेगा, प्लस सर्विस नहीं समझ में आता है। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिए, मिलते हैं कुछ नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।